हेलो एवरीवन तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ बेसिकली हेवल्स का थर्टीन फिन ऑयल फिल रेडिएटर ओ एफ आर तो जल्दी जल्दी मैं आपको पहले से बताता हूँ कि थर्टीन फिन का क्या मतलब है ये जो ऊपर है राइट ये अगर आप काउंट करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और लास्ट वाला ट्वेल्व और ये इधर फर्स्ट वाला थर्टीन ठीक है तो ये थर्टीन फेन है इन सब इसके अंदर ऑयल भरा होता है तो ऑयल फिल्टर रेडिएटर का फ़ायदा क्या नॉर्मल वाले जो हीटर होते हैं हमारे वो जिसमें कोयल से जलती रहती है या ब्लोअर वाले फ़ायदा क्या होता है कि वो जो है वो ह्यूमिडिटी को और ऑक्सीजन को कम कर देते हैं रूम के क्योंकि वो बर्न होते हैं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल भरा है उसने हीट अप होना है इलेक्ट्रिसिटी से और फिर उसने हीट छोड़नी है धीरे धीरे इससे अब ये जो हैवेल्स के आते हैं ये जो इनके अंदर फैन भी है फॉर एक्स्ट्रा क्विक हीटिंग के लिए ठीक है तो इसके अंदर मैं आपको क्विक ओवरव्यू और देता हूँ जैसे वो फिन्स थे राइट ये पावर वाली लाइट है ठीक है ये उसकी कितनी पावर कंजम्पशन करेगी जैसे उनतीस सौ वोट का है शायद ये तो अगर आप देखो ये हाई पे मीडियम है तो हाई मीडियम लो और ऑफ़ जैसे अभी ये आपका मीडियम पे है तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ वैसे ही आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ और ये मिनिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर और ये ऑन एंड ऑफ स्विच तो इसके अंदर बेसिकली अभी जैसे एक और फीचर है बैठे अगर जैसे आपने इसकी जो वायर है उसको पंद्रह एमपेयर वाले स्विच में लगा लिया क्योंकि पंद्रह एम में लगे हैं पावर प्लग है बेसिकली तो ये नीचे आप देख सकते हो खूब सारे हैं और तो आप यहाँ से अपने बाकी के प्लग्स लगा के उनका यूज़ कर सकते हो तो एक तो तरह से एक्सटेंशन बोर्ड की तरफ तो और तो इसमें दुनिया के सारे तरह की कवर की हुई उन्होंने जैसे आपको यूके का दिख रहा होगा अमेरिकन दिख रहा है बाकी भी सारे दिख रहे हैं इंडियन भी है तो आप सभी इसमें लगा के इससे भी आउटपुट ले सकते हो अगर वैसे चाहिए हो तो एनी अब मैं आपको इसकी फंक्शन समझाता हूँ जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है वैसे तो ऐसा है ये जो ऑन ऑफ़ है ये है इस फैन का ओके okay? अगर आपको फ़ैन चलाना है तो ये ऑन ऑफ है और इसीलिए चलेगा नहीं वैसे आप ऑन करोगे कुछ नहीं होगा जब तक आप इसका टेम्परेचर ये नहीं आप बढ़ाते कितना चाहिए आपको देखना देखा आपने जैसे मैं उसको यहाँ पर लाया ये ऑन हो गया कम करूँगा बंद हो जाएगा ठीक है इसको हम बंद करके भी चला सकते हैं इससे और अगर हम जैसे अब चलाया मैंने ठीक है राइट फैन वाली लाइट नहीं ऑन हुई ये ऑन होगी राइट पावर की तो हो क्या रहा है जैसे हम इसको ऑन कर रहे हैं ये टेम्परेचर कि हमें ज़्यादा चाहिए जैसे ही अभी जैसे जो रूम टेम्परेचर है तभी उससे ऊपर जा रहा है क्योंकि इसमें थर्मोस्टाइट लगा है तो जैसे इससे ऊपर जाएगा तो ऑन हो जाएगा तो अब इसके फिन जो है ये हीट हीट अप होने लग पड़ते हैं और ये धीरे धीरे हीट करेंगे जैसे जैसे मैंने ऑन किया इसको एक थोड़ा टाइम लगता है ऑयल रेडिएटर्स को हीट अप होने में क्योंकि अंदर ऑयल भरा होता है जो ऑयल है वो हीट अप होगा फिर वो हीट रेडिएट करेगा इनफैक्ट जब इसको बंद कर दोगे उसके बाद भी काफ़ी देर तक हीट छोड़ता रहता है तो ये थोड़ा महंगा होता है इनिशियल पॉइंट पर खरीदने में नॉर्मल हीटर से बट ये आपकी बिजली भी जाता है क्योंकि ये कम पावर कंज्यूम करेगा जब ऑयल हीट अप हो जाएगा तो एक तरह से ऑटोमेटिकली अंदर कट ऑफ हो जाता है इसके अंदर तो वो तो ये मेन इसकी फंक्शनैलिटी है उसके बाद यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हो कि जैसे ये ऑफ पे था ऑन किया मतलब ये जो आपका है लो पे ठीक है तो कम वोटेज यूज़ करेगा और थोड़ा कम हीट करेगा मीडियम पे करा थोड़ी और हाई पे करोगे तो पूरा उनतीस सौ वॉट के उनतीस सौ वोट यूज़ करेगा और काफ़ी हीट कर देगा रूम को तो काफ़ी बड़े साइज के रूम के लिए भी है ये तो बस अगर आपको और जल्दी अगर हीटअप करना है रूम तो जब ये ऑन हो तो ये भी चला दो तो ये ही जो है फ़ैन ये अंदर से जो मैं बताता हूँ ये हवा यहाँ से खींचेगा राइट और ऑयल वालों से भर के मतलब हीट अप करके हवा को यहाँ से छोड़ता है और एक और चीज़ का ध्यान रखना कभी भी जैसे जब आप इसको अगर यूज़ कर रहे हो इसको कवर मत करना वैसे ने लगाया यहाँ पर डो नॉट कवर राइट वो तो फेंस को बोल रहे हैं लेकिन इसको भी कवर मत करना वरना क्या होगा ये हीट अप हीट करता रहेगा आपने इसको कवर किया तो अंदर ही आपकी जलने के अंदर ही इसके होते हैं चांसेस चीज़ों के बाकी ये तो ये इसकी फंक्शनैलिटी है ये आपका फैन का ऑन ऑफ स्विच ये आपका एक्चुअल मेन हीटर का ऑन ऑफ स्विच एक तरह से और ये आपका कि किस पावर कंजम्पशन पे आपको चाहिए लो मीडियम या हाई ठीक है जी इसके अंदर और भी आते हैं सेवन फिन नाइन फिन थर्टीन फिन एलेवन फिन ये है थर्टीन फिन वाला क्योंकि बहुत बड़े रूम साइज़ के लिए मैंने लिया है तो ये है जी इसका ओवरव्यू और वो साइड पर लगाया हुआ है इसको पावर प्लग में तो थैंक यू और अगर कोई आपको डाउट हो तो स्टिल आप मेरे से पूछ सकते हो तो अगली बार मिलते हैं बाय बाय